अजय माकन ने कहा कि हमें 2 दिन पहले पता चला कि हम जो चेक इश्यू कर रहे हैं, बैंक पैसा नहीं दे रहे हैं। हमने छानबीन की तो बताया गया कि कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस दोनों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हमसे इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपए की कुल रिकवरी मांगी है। अजय माकन ने कहा कि 2018 से 19 का कांग्रेस की तरफ से इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होता है, उसमें 40 से 45 दिनों की देरी की गई थी। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। अभी हमारे पास खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जहां बस एक पार्टी की मनमर्जी चल रही है, जहां प्रमुख विपक्षी दल को इस तरह अधीन बना दिया गया है। हम न्यायपालिका, मीडिया और लोगों से न्याय चाहते हैं। हमने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है, वहां सुनवाई जारी है। हमने सुनवाई से पहले खुलासा करना उचित नहीं समझा। हमें कल पता चला कि हमारे वकील विवेक तनखा का और कुल 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे खाते नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। ये पैसा कॉरपोरेट जगत से मिला पैसा नहीं है, ये क्राउड फंडिंग का पैसा है। वो पैसा भारत सरकार ने फ्रीज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट बॉन्ड का पैसा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, बीजेपी वही पैसा इस्तेमाल कर रही। उन्होंने खाते फ्रीज करने के लिए समय को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि आम चुनाव से ठीक पहले खाते फ्रीज किए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक ज्ञान के अंधे ना बने।